हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। खुशी मेरी रेडी हो गई है स्कूल के लिए, और बहुत दिनों बाद मैंने आज ब्लॉग डाला है। और चार पांच ब्लॉग इकट्ठे ही हैं, छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं मैंने। ये मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड की डॉटर का आज बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। ये मेरा छोटकू जब भी गाड़ी में बैठता है ना, तो पूछो ही मत, बहुत तंग करता ही है। हीरो बैठता ही नहीं है, उसको बस बाहर ही देखना होता है खड़े होकर। ये देखिए, नवरात्रों में हमारे यहाँ पे होता है सोसाइटी में डांडिया फंक्शन। तो ये रात का व्यू है, मैं 12th फ्लोर से ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत अच्छा होता है, हर साल होता है, बहुत ही एंजॉय होता है, बहुत मज़ा करते हैं हम। और बहुत गैदरिंग होती है। मेरी नीस भी आई है इस बार, मैंने उसको भी बोला कि तू भी आ जाना, काफ़ी पासिस थे मेरे पास, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे सब। डांस वांस, यम्मी फूड, मतलब इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, लेकिन बहुत स्पेसियस है हमारी सोसाइटी, सो पता नहीं चलता क्राउड का। तो बहुत मस्ती होती है, डांस होता है, अमेजिंग फूड होता है, बहुत एंजॉय करते हैं सब, पूरी सोसाइटी। ये देखिए, गुजरात से डांडिया गरबा की टीम बुलाई जाती है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और वेदर चेंज हो रहा है आजकल, मौसम का तो पता ही, अक्टूबर से जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो बस वेदर चेंज हो जाता है। तो मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाई, तो इसलिए बस इकट्ठे व्लॉग डाल रही हूँ आज। तो ये देखिए, कंजक पूजन भी आ गया, ऑल सेट, कृष्ण जी भी रेडी हैं। आज खाएंगे पूरी, चने, हलवा, माता रानी। ये देखिए, खेतरी इतनी अच्छी है, इस बार खेतरी हुई है ना, बहुत अच्छे दर्शन दिए माता रानी ने। बस मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, मैंने और मम्मा ने मिलके। अब मैं जाऊंगी कंजकें ढूंढने। कंजकें भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि आज के दिन सबने अष्टमी पे कंजक पूजन करना होता है, तो कंजकें ढूंढ ढूंढ कर लानी पड़ती हैं। बस अब मैं चलती हूँ कंजकों को ढूंढने के लिए, तो देखती हूँ। ये देखिए, कंजकें मिल गई हैं, कुछ अपनी बिल्डिंग की कंजकें मिली हैं, और कुछ बाहर लेबर के बच्चे घूम रहे थे, मैं उनको भी ले आई इस बार। तो माता रानी तो लगता बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि इस बार 20-25 कंजकें हो गई थी, बहुत सारी। ये देखिए, पूरा घर ही भर गया था, दो बार आई हमारे घर में। चलो अच्छी बात है, जितनी आई उतनी अच्छी है, जितने पैर डाले कंजकें। छोटी भी थी, थोड़ी सी बड़ी भी थी। साथ ही में कुछ दिन बाद आ गया है करवा चौथ, मेहंदी लगवा रही हूँ। लड़की को बुलाया था मैंने घर पे, सीधे हाथों पे तो मैंने मेहंदी लगवाई नहीं, क्योंकि खुशी के होने के बाद या छोटू के होने के बाद सीधे हाथों पे मैं लगा ही नहीं पाती, बिकॉज ऑफ छोटू मेरा तंग बहुत करता है, उसको गोदी में उठाना पड़ता है, तो मैंने बस बैक साइड पे ही लगवाई मेहंदी। और शाम के 4 बज गए हैं, हम आ गए हैं रेडी होकर ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे लॉबी में सब बैठ गए हैं, दो तीन सर्कल बन चुके हैं लेडीज़ के, और पंडित जी भी आ गए हैं। बस थोड़ी सी पूजा करेंगे, उसके बाद हम फोटोशूट। ये देखिए, टन फोटोशूट बस ख़त्म होते ही फिर निकल आया है चांद। जी हाँ, 9 बजे चांद की पूजा करने के बाद करवा चौथ ख़त्म। ये आ गया मेरी डॉटर का एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन मेरा, मेरे टाइम पे तो खैर एनुअल फंक्शन नहीं होते थे, लेकिन मेरी डॉटर का ये फर्स्ट, वो नर्सरी क्लास में है, तो वो फर्स्ट एनुअल फंक्शन है। वो बनी थी पंजाबन, उसने गिद्दा किया बहुत क्यूट लग रही थी, परांदा परांदा डाल के। तो ये देखिए एनुअल फंक्शन। उसके बाद हम आ गए PAU में, एक सार्स मेला लगता है, तो इतना रश था, इतना रश था, हम बड़ा रेडी शेडी होके आए थे कि चलो मेला देखने चलते हैं। एक्चुअली लास्ट डे था, तो माइट भी बहुत ही ज़्यादा, उस वजह से इतना रश था ना, मैं बता नहीं सकती। हम अंदर तो जा ही नहीं पाए, बस बार बार से देख कर आ गए। ये देखिए बेचारी बच्ची कैसे, टीवी में देखा हुआ ये सब मैंने आज रियल लाइफ में पहली बार देखा है, पापी पेट का सवाल। ये मेरी डॉटर देखिए क्या एंजॉय कर रही है, और ये देखिए, वाह, दोनों। मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस मैंने ये व्लॉग्स यहीं तक बनाए हैं, 3-4 कट्ठे डाल दिए थे इसके बर्थडे पे।